अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली। तो आपका भाई जो है ना एक नई वीडियो के साथ आ गया है। तो आज की वीडियो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो के बारे में बताने से पहले मैं आपको कहूंगा कि आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है, क्योंकि ये चीज़ हम हमेशा भूल जाते हैं और आप लोग फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आज की वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज जो है ना मैं शॉप में बैठा हुआ था तो मुझे ना कॉल आ गई भाई की, दरान भाई जो है ना आजकल उमरा करने गए हुए हैं, तो उमरा करके उन्होंने वापस चले जाना था UK में। लेकिन उन्होंने मुझे कॉल की कि यार मैं ना देने लगा हूँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आप लोगों को, और अम्मी अब्बू को मैंने देना है सरप्राइज़, तो तुमने किसी को बताना नहीं है और मैं और पूरी फैमिली जो है ना हम आ रहे हैं पाकिस्तान, और तकरीबन 8 बजे हमारी फ़्लाइट जो है ना वो यानी कि यहाँ पर उतर जाएगी। तो मैंने फ़ौरन शॉप बंद की है और मैं फ़ौरन आ गया हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, मैं आगे नहा के त्यार शहर हुआ, मैंने कहा चलो एयरपोर्ट जाना है। तो फिर मैंने सोचा कि यार उमेर भाई को और जुहेब भाई को तो बताऊँ ना यार, तो फिर मैंने जुहेब भाई को बताया। तो जुहेब भाई यार छुट्टी पे थे, वो उनको मैंने कहा कि यार तो मेरे साथ चलो, तो जुहेब भाई को मैंने तैयार किया है। फिर मैंने उमेर को कॉल की, मैंने उमेर को कहा कि यार किसी को बताना नहीं है और तुमने आ जाना है यहाँ पर, उमेर यहाँ पर नहीं था तो उमेर आ गया है अमना के साथ, तो फ़ौरन आ गया। तो अब हम जाने लगे हैं अदनान भाई को रिसीव करने, ठीक है। तो अभी जो है ना मैं गाड़ी में कह रहा हूँ, अब मैं जुहेब भाई को बुलाता हूँ, जुहेब भाई आगे हुए हैं बस वो रेडी हैं। उनको मैंने अभी डिटेल्स नहीं बताया और किसी बच्चे को भी नहीं बताया हमने, अम्मी अबू को भी नहीं बताया, ये सिर्फ हम चारों भाइयों के अंदर ये बात है, अदनान के, मेरे, जुहेब के और उमेर के। तो अभी मैं जुहेब भाई को बुलाता हूँ, मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया हूँ और घर में मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ जी, मेरे दोस्त है उसने हमारी ना एक आज दावत की हुई है तो मैं उधर जा रहा हूँ। तो अभी मैं बुलाता हूँ जुहेब भाई को, जुहेब भाई कहते हैं उमेर को, मैंने कहा कि दूसरी गाड़ी तुमने लेके जानी है क्योंकि उनका गुस्मान होगा, तो फिर हमें बड़ा टेंशन हो जाती है, इसलिए मुझे उमेर को बताना पड़ा कि ना दूसरी गाड़ी जो है ना हमें लेके जानी पड़ेगी सामान के लिए और उनकी फैमिली जो है वो मेरे साथ बैठ जाएगी। चलो जी अभी बुलाते हैं जुहेब भाई को और उमेर भाई को, चलो जी। तो अगर आप लोग भी घर बैठ के पैसे कमाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ, अर्निंग प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ जिससे आप हज़ारों रुपये कमा सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है B9 गेम। इस गेम के जरिए आप हज़ारों रुपये कमा सकते हैं। तो अभी जाइए मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो इस लिंक पर क्लिक करें और इस पर रजिस्टर हो जाएं। रजिस्टर होने के बाद एक मिनिमम अमाउंट है 300, आप इस पर डिपॉजिट करें जिससे आप हज़ारों रुपये कमा सकते हैं। तो आप इसका विड्रॉ जो है बहुत ही इजी है, आप अपने इजी पैसा जैस कैश या बैंक अकाउंट के थ्रू आप इसे अपने इजीली विड्रॉ करवा सकते हैं। तो ये एक रियल अर्निंग ऐप है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और इस ऐप को डाउनलोड करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस महंगाई के दौर पर इजीली घर बैठ कर पैसे कमा सकें। तो जी उमेर भाई भाई भी आ गए, चलो अभी चलो, मैं उमेर को बता दिया, जुहेब को बता दिया है, जुहेब भी बाय चांस छुट्टी थी जुहेब की, तो जुहेब इधर ही था, अभी अभी आया ही हूं, इसको मैंने बुलाया, मैं कहा फटाफट आ जाओ। तो अभी चलते हैं उमेर, रस्ते में जाके ना फूल छूल भी ले लेते हैं यार, ठीक है, हार लेने पड़ेंगे, ठीक है, उमरा करके आ रहे हैं माशाल्लाह। तो अभी बाकी घर वालों को सबको सरप्राइज है ऐसी, ठीक है, घर वालों को भी कह देते हैं ना कोई पकाव को भी लो, यार रहने दे यार, बाहरों कुछ खा देंगे तुम पता, वो एंजॉय करता बाहर, कह दे भाई, और नहीं मान ले यार घरों रहने दे, वो घर की बनाए, नहीं मौसम नहीं सही, बाहर नहीं सही का, और यार खा लेंगे ठीक है। तो ऐसे करते हैं, हार लेते हैं दूसरी गाड़ी में, यहाँ किसी को लेके जाना, बच्चे बुच्चे को यहाँ को लेके जाना, क्रिकेट खेल रहे, यहाँ को लेके जाओगे सबको पता चल जाना है, तैयार हुआ ना, ठीक है ठीक है, या किसी को ले गए ना सबको पता चल जाना, चल जाना। और उमेर तू घर में कह दे कि मैं ना ऐसे जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ दोस्तों के साथ ना, चलो मैं कह देता हूँ, ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ, चाहे फिर तू गाड़ी निकाल, हम भी गाड़ी निकाल रहे हैं, हम आगे आ गए तो पीछे पीछे पहुंच फिर, चलो ठीक हो, ठीक है। और हार भी कहाँ से मिलेंगे, हार ये छतरी चौक नहीं, हाँ पे बैठा होता है, चल ठीक है पहुंचो पहुंचो, निकलो फिर जल्दी पकड़ो, चलो जी शॉप में आ गए, हमने कहा चलो गुलाब ले लें, दे भाई यार मेरे ख्याल वो दूसरा ठीक था यार, रेड वाला, हाँ ये नहीं सही यार, ये अच्छा लग रहा है बड़ा है, ठीक हाँ ठीक है, मैं तो लो नहीं नहीं ठीक है अच्छा वो ले हैं जल्दी से यार, वो भी हो गया, तो जी हमने हार भी ले लिए और साथ में एक गुलदस्ता ले लिया, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉप्स थी हमने लेनी है, और ये देखें 14 अगस्त का सामान भी लग गया हुआ है, तो काफ़ी टाइम हो गया है, तो अभी हम चलते हैं फिर ये ले कर ना एयरपोर्ट। तो बस थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि फ्लाइट मेरे घर से सुबह 7:30 ही है और अभी तकरीबन 7 बज गए और अभी हम घर से निकले हैं,
गर्मी में आदत नहीं है, वो पहले भी सऊदी अरब में काफी गर्मी है तो वो लंदन में रहने वाले उन्हें ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और वो हमेशा आते भी इसी यानी के दिनों में होते हैं अगस्त के महीने में गर्मी होती है जब और हम ना पूरा पूरा टाइम पे एयरपोर्ट पहुंचते होते हैं वो बाहर आ जाते हैं फिर हम पहुंचते हैं। भाई साहब एक बाहर खड़ा हो गया एक दिन वो भाई मुझे याद है एक दो उसको 5 मिनट वेट करना पड़ गया उसने भाई जी जान नहीं छोड़ी थी। चलो मेहमानी हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह हम ना उनके भाई। एक चीज है पहले वो आते हैं लंदन से तो वो फ्लाइट होती है और चीज यहाँ पे आ रहे हैं उमरा करके पहले ही ना रश बहुत ज्यादा होते हैं और जो प्लेन होते हैं ना काफी क्राउडेड होते हैं। और ये एक और बात है कि ये उमरा करके आ रहे हैं ना और ये अभी किसी को पता नहीं है ये तो भाई को भी अभी पता चला है कि भाई वो आ रहे हैं और सबसे पहले मुझे बताया उसने जब वो वहां से जहाज में बैठ रहे थे ना वो निकलने गए घर से तो उन्होंने वहां से यानी कि मुझे फोन किया कि हम आ रहे हैं। मैंने कहा ला भाई ये क्या भाई और मैंने कहा चलो कोई तैयारी शारी करते हैं। कहता नहीं किसी को कुछ नहीं बताना। मैं भी कह रहा था कि यार घर कोई तैयारी शारी करवा देते हैं खाना छाना और मैंने कहा चलो उसको बाहर से खिला देंगे यार कोई नहीं। बेसिकली जो है माँ बाप को सरप्राइज देना होता है बहन भाई को कौन सा अम्मी को सरप्राइज देना उन्होंने बेसिकली जो है ना अम्मी को सरप्राइज देना क्योंकि अम्मी काफी ना उन्हें मिस कर रही थी लास्ट ईयर भी हो गया लास्ट ईयर भी हो गया थी और उससे पिछले साल 2 साल पहले दुरान भाई खुद आए थे तो अब तकरीबन 2 साल बाद वो पाकिस्तान दोबारा आ रहे हैं। हालांकि पहले जितना मुझे याद है ना मैं भी बाहर होता था ना तो मैं तो नहीं आता होता था हर साल लेकिन दुरान भाई जो है ना हर साल बच्चों के साथ पाकिस्तान आते थे क्योंकि उससे बच्चे ना स्कूल नहीं जाते थे। ये जब से बच्चे स्कूल जाना शुरू हुए ना तो फिर वो प्लानिंग करके आते हैं। तो ये नहीं है कि अदनान भाई जब सेटल भी नहीं था नेशनल वहां पे नहीं थे नेशनल भी नहीं तब भी हर साल आते थे हर साल आते थे ये कभी भी नहीं हुआ यानी कि वो ना है। उमेर भी ऐसी था उमेर जब बाहर होता था हर साल आता होता था ऐसे था ना देव यानी कि ये था कि उमेर वहां पर यानी कि पढ़ने गया हुआ था लेकिन अबू कहते थे भाई तुम्हें हर साल लाजमी आना है तो ये हर साल लाजमी आता होता अदनान भाई का भी ऐसी था। तो बस चले अब थोड़ा लेट हो गया लेट हो गया मुझे गाड़ी थोड़ी सी ना तेज है आधी नहीं हुई गाड़ी तेज करने का अंधेरा होना शुरू हो गया मोबाइल में ऐसा लग नहीं रहा लेकिन बाहर काफी ज्यादा काफी ज्यादा अंधेरा हो गया। तो बस अभी पहुंच के फिर आपको वहां पे मिलते हैं। चलो जी तो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं ने सारा ना रोड सारी चेंज कर दिया जब भी मैं आता हूं ना चेंज किया होता है इन्होंने अब ऐसे ज्यादा अच्छा हो गया ना बिल्कुल सामने एयरपोर्ट नजर आता है लेकिन लोग इस तरह आए हुए हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। अब जो मैं से बात हुई है वो कह रहे 100 गाड़ियां लगी हुई है देखिए रश है क्या और ये तो एक घंटा तो यहीं पे लग जाना ना जी फ्लाइट भी उतर गई मुझे लगता है बड़ा रश लगा हुआ चलो क्या किया जा सकता वहां तक भी जाना है वो दूर तक और फुल रश है और अंदर भी गाड़ियां फुल है। तो ये हार और ये ले लिए जेब भाई ने पकड़े हुए तो ये एयरपोर्ट बाकी चलते हैं आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दुआ दुआ तो बहुत शुक्र से हो गया क्या किया है वो देखो क्या किया है बैग लेके आए तो कोई बात नहीं चलो तो ये आ गए हैं अभी
यार ये आप हमारे साथ छोड़ के हैं इधर मैं यार आगे रख दो ये आ गए सारे यहाँ पे गाड़ी के करीब हम पहुँच गए हैं। वो बड़ी दूर एयरपोर्ट से बड़ी दूर खड़ी की हुई थी हमें बिल्कुल यहाँ पे देखा कोई भी नहीं है एक बंदा तो जी ये देखें बच्चे जो है ना रात के 12:30 हो गए हैं लेकिन यहाँ पर खेल रहे हैं और इनके पापा जो हैं वो सो चुके हैं उनको नींद आई हुई थी क्यों दुआ इंजॉय कर रही है दुआ इधर यहाँ पर अभी पहला दिन है और पहले दिन ही दुआ बहुत खेल रही है। तो ये थी आज की वीडियो बाकी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं वो आपको आने दिनों में पता चल जाएगा और ये एक बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज़ दिया है बच्चों ने भाभी और दरान ने यहाँ पर आकर तो वीडियो को देखते रहें और लाइक करें हमारी वीडियोस को और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ये देखें जी अब नई गेम आ गई है ये मोनोपोली जो है ना ये बड़ी यादें हैं मोनोपोली जब 2 साल पहले आए थे ना ये खेलते थे तो अब ये फिर खेलने लगे मोनोपोली ठीक है। तो यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना शेयर करना और अपने चैनल अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ आपने शेयर करना है तो इब्राहिम क्या कहेगा तो खुश रहें सबको खुश रखें अल्लाह हाफिज़ हाफिज़।